हाँ जी लक्ष्मी पवित्रता के कारण नहीं पवित्रता देवी मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसकी जैसे नारायण नारायण का गान होता है सपा होती है उसकी क्या है, है? लक्ष्मी क्या है नारायण की जैसे सपना में कथा होती है लक्ष्मी की कथा क्या है तुम क्या समझते हो कि नारायण में प्योरिटी नहीं होती है नहीं तो होती है तो पूजा होती है, है? होती है कथा होती है हाँ लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं लक्ष्मी की कथा इसलिए नहीं होती कि लक्ष्मी मंथन नहीं करती है कमाती नहीं है ज्ञान को जो मेहनत करता है कमाता है उसकी कथा होती है लक्ष्मी कमाया हुआ खाती है या खुद कमाती है कमाया हुआ खाती है इसलिए नारायण की कथा है लक्ष्मी की कथा नहीं है और वो कथा भी सत्यनारायण की कही जाती है सत्यनारायण के मुकाबले सत्य लक्ष्मी नहीं कहा जाता क्योंकि सत्य ज्ञान को कहा जाता है पहले ज्ञान आता है मनुष्यों में या पहले पवित्रता आती है क्या आता है ज्ञान आता है और ज्ञान एक बाप से आता है ज्ञान की गहराई पवित्रता को पहचानती है माया को भी पहचानती है तो बाप की प्रॉपर्टी क्या हुई बाप की दी हुई प्रॉपर्टी प्योरिटी है या ज्ञान है ज्ञान है ये बाप का वर्षा है इसलिए बाप का वर्षा लेने वाले बाप की स्मरणी के मणके बनते हैं जो बाप की स्मरणी के मणके बनते हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाए हैं राजाई पद पाने वाले हैं स्वाधीन बच्चे हैं पराधीनता को स्वीकार करने वाले नहीं है और लक्ष्मी बेसिक नॉलेज में भी पराधीन रहती है और फिर एडवांस में आने के बाद भी ज्ञान के लिए किसके अधीन रहे नारायण के अधीन रहे इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा बनाने के लिए आता हूं ये कभी कहा रानी बनाने के लिए आता हूं है नहीं और जोर से बोलो सती प्रेता में पांच विकारों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है जैसे काम कामना इच्छा ठीक है ठीक है ठीक है इस प्रकार बाकी चार विकार किस प्रकार का काम विकार जो है वो श्रेष्ठ इच्छा के रूप में परिवर्तन हो जाता है ऐसे ही जो क्रोध लोभ और मोह और अहंकार है उनका भी रूप परिवर्तन होता है वहां हाथापाई होती है किसी से है हाथापाई नहीं होती है परंतु वाइब्रेशन एक दूसरे के प्रति
अडिग रहते हैं या डिगने वाले होते हैं? कैसे होते हैं? लक्ष्मी का जो वाइब्रेशन है वो नारायण के प्रति कैसा होगा? कृष्ण का वाइब्रेशन राधा के प्रति कैसा होगा? अडिग होगा। तो ये अडिग होना ये भी क्रोध का सात्विक रूप है। लोभ, देह अभिमान का लोभ होगा या आत्माभिमान का लोभ होगा? आत्माभिमानी होंगे। व्यभिचार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होगा। अब व्यभिचार के प्रति आकर्षण होगा। एक की एक में बुद्धि टिकेगी और एक जन्म नहीं 21 जन्म तक भी टिकेगी। मोह एक में होगा या अनेकों में होगा? एक में मोह होगा। और अहंकार शुद्ध होगा या अशुद्ध अहंकार होगा? शुद्ध अहंकार होगा। पांचों ही विकार शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। देवान का नाम निशान नहीं रहता। और फेरी शब्द आया तो फेरी शब्द क्या है? आप जानते हो मुझे फेरी शब्द आया ना? फेरी बाकी पहनना, फेरी शब्द बाकी पहनना। बाकी तो दोनों हाथों से फैला करके, दोनों हाथ फैला करके एक दूसरे के गले मिलते हैं, उसको बाकी कहा जाता है, है? फेरी पहन करके चले जाते हैं पतंगे, फेरा लगाया। जैसे शादी होती है तो सात फेरे लगाते हैं, ऐसे ही जो पतंगे होते हैं, ज्ञान मार्ग में भी पतंगे हैं, ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पतंगे हैं कि एक बार फेरा लगावेंगे और वहीं के वहीं स्वाहा हो जावेंगे, वापस जाने वाले नहीं है। उनको कहते हैं फर्स्ट क्लास पतंगे। एक ही फेरे में काम तमाम कर दिया, स्वाहा। कोई ऐसे होते हैं कि फेरा तो लगाया, कहीं टांग जल गई, कहीं हाथ जल गया, कहीं मूछ जल गई, और सर पर पांव रख करके भाग जाते हैं। उनको कहते हैं फेरी लगाने वाले पतंगे। बार बार आते हैं, बार बार झुलसते हैं, बार बार भाग जाते हैं, वो फेरी लगाने वाले हैं। कोई ऐसे हैं जो फेरी लगाते लगाते फिर स्वाहा हो जाते हैं। थर्ड क्लास वो हैं जो एक बार फेरी लगाई तो फिर दोबारा कभी आते ही नहीं, तिलांजलि दे जाते हैं, वो है थर्ड क्लास पतंगे। फेरी लगाने से ही उनको डर लगता है। और अठारह जनवरी की क्या हुआ? 18 जनवरी तक की वाणी है तो 18 जनवरी तक की वाणी है। हाँ,
आगे की वाणी कैसे चलेगी? जो 18 जनवरी तक की वाणी है वो वाणी संपूर्ण प्राप्त हुई है या कटिंग की हुई प्राप्त की हुई है? है? जो भी 18 जनवरी की छपी हुई वाणी तुमको मिली वो कट की हुई वाणी है या संपूर्ण वाणी है? है? कट की हुई है। और 18-20 साल की जो रेगुलर चलाई हुई वाणी है वो तो मिलती ही नहीं, सिर्फ 5 साल की वाणी मिल रही है जो बार बार रिवाइज हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिल रही है वो कभी मिलेगी ही नहीं, जब टाइम आवेगा तो कोई न कोई पुरानी गीता पाठशाला वाले निकल पड़ेंगे और पुरानी वाणियों का भी भंडार मिल जाएगा। यज्ञ के आदि में जो पीयू की वाणी चलती थी जिसके लिए बताया जाता है कि कराची में लोहे के बाक्स में दाब करके चले आए थे, टाइम आवेगा तो वो भी मिल जाएगी। ब्रह्मा बाबा के मुख से डायरेक्ट चली हुई टैप रिकॉर्ड में भरी हुई वाणी नहीं मिल रही है। आगे चल के वो वाणी भी मिल जाएगी जब से टैप रिकॉर्ड चलना शुरू हुआ। अभी तो हमें कागज के पत्तों वाली वाणी मिल रही है। तो ऐसे नहीं है कि 18 जनवरी के बाद वाणी खत्म हो जाएगी। वेदवाणी का आखिरी चरण हो जाएगा? नहीं, वेदवाणी तो ऐसे ही अगाध है जैसे सागर अगाध है और उसकी व्याख्या तो और ही लंबी चौड़ी है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदों से आरण्यक निकले, आरण्यक की व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि पुस्तकें निकली, बाद में उनकी व्याख्या हुई तो पुराण निकले, पुराणों से भी पहले उपनिषद निकले। तो ज्ञान का आदि और अंत नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान पत्तों में नहीं बांधा जा सकता, वो तो ऐसे ही अगाध है जैसे कि सागर की गहराई अगाध है। आज तक सागर की गहराई को कोई नाप नहीं सका, आकाश की ऊंचाई कितनी है आज तक कोई नाप नहीं सका। ऐसे ही ये ज्ञान का विस्तार ये अगाध है। ऐसे नहीं समझना कि 18 जनवरी तक ही सीमित है। और ब्रह्मा बाबा साथ थे तो फिर बक्से को छोड़ा क्यों वहाँ है? उस समय ब्रह्मा बाबा भी साथ थे जब तराजू की तरह। ब्रह्मा बाबा साथ तो थे लेकिन झगड़े का फाउंडेशन एंटी ओम मंडली ये कराची से निकली या कहां से निकली? सिंध हैदराबाद से। दो पार्टियां हो गई ब्राह्मणों की दुनिया में, जैसे अभी दो पार्टियां हैं
जैसे पहले दो पार्टियां थी, अभी भी दो पार्टियां हैं। तो पीयू की वाणी जमीन के अंदर गाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई चीज को क्यों दबाया जाता है? विरोधी बात लगती है तो उसको दबाया जाता है। जैसे मुसलमानों ने शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में डाल दिया, जमीन में खोद खोद करके गाड़ दिया, भाड़ों में झोंक दिया, क्योंकि उनकी अकल में उसका तंत्र नहीं बैठा। तो ऐसे ही पीयू की वाणी थी। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, वो ही पुरानी संस्कृत की गीता बैठ करके उसके अर्थ करते थे। आदि में गीता के अर्थ हुए हैं तो अंत में गीता का अर्थ नहीं हो सकता क्या? वो ही संस्कृत की गीता के 108 से भी ज्यादा टीकाएं निकल पड़ी और सब टीकाएं एक दूसरे से भिन्नता पैदा करने वाली। तो क्या ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गीता का अर्थ नहीं निकल सकता? जरूर निकल सकता है, परंतु उसके लिए प्रूफ चाहिए। वो प्रैक्टिकल प्रूफ अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रहे हैं। जब तैयार हो जाएंगे तो शास्त्रों से उनको टैली किया जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े शास्त्रकार, बड़े बड़े विद्वान इस ईश्वरीय ज्ञान को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों से उनको निचोड़ मिल जाएगा। अभी तो उल्टी खोपड़ी होने के कारण उल्टा अर्थ लगाते हैं। और इस्लाम बोलते या क्राइस्ट की आत्मा किसी में शरीर धारी में प्रवेश करती है क्या? इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म की आत्मा उतरती है तो प्रवेश करती है कि जन्म? प्रवेश करती है। पहली आत्मा जो ऊपर से उतरेगी वो गर्भ में क्यों आएगी? जो भी आत्मा परमधाम से आती है वो सतो प्रधान आत्मा आती है या तमो प्रधान आत्मा आती है? परमधाम में सतो प्रधानता है, सात्विक वृत्ति है, सत्य धाम है या झूठ का कोई अंश है? परमधाम में क्या है? परमधाम तो है ही सत्य धाम, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। सत्य है आत्मा, तो परमधाम से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सब सात्विक स्टेज वाली आत्माएं हैं। जब दुनिया का विनाश होता है तो बाप सभी आत्माओं को सतो प्रधान बना करके ले जाते हैं, चाहे अपने पुरुषार्थ से सात्विक बने, चाहे कर्म भोग से सात्विक बने और चाहे धर्मराज के दंडों से सात्विक बने। सतो प्रधान आत्मा ही वापस परमधाम जावेंगी। तो जब षष्ठी पर आत्माएं उतरेंगी तो चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, सतो प्रधान आत्माएं ही उतरेंगी या तमोरजो उतरेंगी? है सतो प्रधान आत्माएं ही उतरती। सतो प्रधान आत्माओं को गर्भ की जेल की सजा नहीं खानी पड़ेगी, दुख नहीं भोग सकती,
तमो प्रधान आत्माएं दुख भोगती हैं या सतो प्रधान आत्माएं दुख भोगती हैं? तमो प्रधान आत्माएं दुख भोगती हैं। गर्भ में तो होता ही है दुख, गर्भ में आत्मा जाती है तो त्राहि त्राहि करके चिल्लाती है बाहर निकालो। तो सतो प्रधान आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करेगी? वो गर्भ जेल है द्वापर युग से, विकारी दुनिया में होती है गर्भ जेल और निर्विकारी दुनिया में होती है गर्भ महल। तो जहां गर्भ महल है वहां प्रवेश करने की बात नहीं है। आत्मा ऊपर से उतरती है सीधी गर्भ महल में जाती है, लेकिन द्वापर युग से गर्भ जेल होती है, इसलिए जो भी आत्मा उतरती है गर्भ जेल में प्रवेश नहीं करती। जो भी देवी देवताओं की आत्माएं हैं, जो अनेक जन्म लेती आई है, तमो प्रधान बन जाती है, उनमें प्रवेश करती है और प्रवेश करके संघ का रंग लगाती है और संघ का रंग लेती है। क्या पूछा? जब तमो प्रधान बने तो गर्भ से जन्म ले, तमो प्रधान का संग करेंगे तो तमो प्रधान बनेंगे। ये तो एक सुप्रीम सोल बाप है जो तमो प्रधान दुनिया में आता है और पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको संग का रंग लगता है। और बाबा आत्माओं का निर्माण कैसे? निर्माण आत्मा अविनाशी है या बनती है? अविनाशी को बनाया थोड़ा ही जाएगा, वो तो आजार हमारा अविनाशी है, सदा थी सदा है और सदा ही रहेगी। ये सृष्टि के पांच तत्व भी अविनाशी हैं। पांच तत्वों में जो अणु अणु समाये हुए हैं वो अणु अणु अविनाशी है, इन पांच तत्वों का भी विनाश नहीं होता है तो आत्मा का विनाश कैसे होगा? बाबा जैसा तुम किसी को ज्ञान कराते मैं दूसरी आत्मा फेंकती है समझती है पर धारण नहीं चाहती। सुनाने वाले में धारणा पक्की हो गई है? फटाक से बैठ गए? दुनिया वाले बुद्धिमत्ता में तीखे होते जाते हैं या डल हैं? है? दुनिया बुद्धिमत्ता में तीखी होती जा रही है, उनको हर बात का प्रूफ चाहिए और हम ज्ञान सुनाते हैं भगवान आया हुआ है, तुम आत्मा बिंदी हो, प्रूफ कुछ भी नहीं बतावेंगे तो दुनिया वाले मानेंगे हैं? नहीं मानेंगे। कैसे मुरली? हाँ मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनाओ। और ये अच्छी बात कि मुरली जिसने सुनाई है वो सुनाने वाली आत्मा तो शिव बाबा है, और डायरेक्ट कोई मुरली सुनता है
तो अच्छी बात है या खराब बात है? है अच्छी बात है, लेकिन ये देखना है कि कौन सी मुरली बच्चा बुद्धि आत्माओं के लिए है और कौन सी मुरली पुराने पुराने ब्राह्मणों के लिए है। प्राइमरी स्कूल की नॉलेज है, बीए एमए वालों को सुनाने चल पड़ेंगे तो उनको तो मजा ही नहीं आवेगा। जैसे हम बच्चे बीके वालों के क्लास में जाकर के बैठ जाएं, तो हमें वहां का क्लास सुनने में मजा आवेगा नहीं आवेगा? एक स्तर देखा जाता है। तो दुनियावी आत्माएं अगर बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनना पसंद करती है तो जो जनरल क्लास की मुरली है, जनरल पब्लिक को सुनाने वाली मुरली है, वो ही सुनानी चाहिए। वो 20-25 वाणियां हैं जो नए लोगों को सुनाने के लिए काफी हैं। अगर नई आत्माएं उन 20-25 वाणियों को सुन लेती हैं तो उनका एडवांस कोर्स पक्का हो जाएगा। बाद में फिर उन्हें चाहे जो कुछ सुनाते रहो। और हाँ जी, कोई ने प्रश्न किया है सत्युग में स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? है अरे सत्युग में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है नहीं खाएंगे? सत्युग में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे? तो दूसरी क्रियाएं भी करेंगे। अब जब दूसरी क्रियाएं सब करेंगे तो नहाना कैसे नहीं करेंगे? यहां तो नहाने के लिए गंदा पानी मिलता है, वहां तो झरने का स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी भी झरने में नहा करके कितना ताजगी महसूस करते हैं। वहां तो साफ का स्नान झरनों में ही होगा। यहां मुसलमान लोग नहाने से डरते हैं, या तो उनको पानी की कमी है इसलिए ज्यादा खर्चा न हो जाए इसलिए डरते हैं। वहां नई दुनिया में तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। और बोलो भी एक ही एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी? अरे एक है आत्माभिमानी और एक है 100% देह अभिमानी। ये अंतर नहीं पता चल रहा है तो एक्टिविटी में पता नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा? है पड़ेगा, पूछने की तो बात ही नहीं। वो देहधारी मनुष्यों का बाप, वो आत्माओं का बाप। आत्मा है निराकार, तो जो निराकार होते हैं वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होते हैं, और जो साकारी होते हैं वो देह अभिमानी होते हैं। उनको निराकारी तो नहीं कहेंगे। तो जितना ज्यादा देह अभिमानी होगा उतना ज्यादा अशांति पैदा करने वाला होगा।
दुनिया में शांति फैली हुई है या अशांति फैली हुई है? अशांति फैली हुई है, और वो अशांति फैलाने वाले 100% अशांति के स्टेज वाले हैं या नंबर वार हैं? नंबर वार है। तो नंबर वार में कोई एक आत्मा ऐसी भी होगी जो 100% अशांति फैलाने वाली भी हो सकती है टाइम आने पर, वो कौन है? अरे जब आती होती है तो अंत होता है या बीच में ही अंत हो जाता है? आती होती है तो अंत हो जाता है। तो दुनिया में अशांति तो है लेकिन 100% वाली अशांति नहीं है, अति नहीं है। ये अति करने के निमित्त भी कोई आत्मा बनती है, इसलिए बाप कहते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो विनाश कराने के निमित्त कोई आत्मा तो होगी, कौन है? संत। अशांति फैलाने वाला, अशांत होने वाला, दूसरों को भी अशांत करेगा, खुद भी अशांत होगा। नहीं तो संपन्न आत्मा की निशानी बताई है, भक्ति मार्ग की गीता में भी बताई है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्योद्विजते चय। जो लोगों से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, लोग कितना भी अशांति पैदा करना चाहें उसे, लेकिन वो अशांत नहीं होता। और जो लोगों को अशांत नहीं करता वो संपन्न आत्मा है। परंतु कोई इसके उल्टे भी पार्ट बजाते हैं, टाइम टाइम की बात है। यहां पुरुषोत्तम संगम युग में तो सात तरह की शूटिंग होती है, अच्छे से अच्छी एक्टिविटी की भी शूटिंग होती है और बुरे से बुरी एक्टिविटी की भी शूटिंग होती है। जो अशांत आत्मा होती है दूसरे को भी अशांत कर देती है। ये नियम है। और होती है, स्नान नहीं करती है, है? तो वो उनका स्नान नहीं है। जब किसी को बुखार आ जाता है तो उसको स्नान कराते हैं या कपड़े से स्पंज करते हैं? वो कहते हैं सारी दुनिया को बुखार चढ़ा हुआ है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे आत्माओं को दुख मिले। कीड़े मकोड़े भी आत्मा हैं, दांत भी साफ नहीं करते। दांत साफ करेंगे तो कीड़ों को दुख होगा। न मंजन करते हैं न ब्रश करते हैं, अपनी अपनी रस्म रिवाज है। अहिंसा की अति में चले जाते हैं,
लेकिन मनुष्य को मारना ये हिंसा है बड़ी, या दूसरे जानवरों को मारना बड़ी हिंसा है? मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये मनुष्य सृष्टि सर्वोच्च सृष्टि है, दूसरे जो प्राणी है उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं सुख दुख भोगने के लिए, न उन आत्माओं में इतनी शक्ति होती है। मनुष्य आत्माओं में शक्ति जास्ती है, सुख भी जास्ती भोग सकती है और दुख भी जास्ती भोग सकती है। इसलिए संसार के सब प्राणी मनुष्यों के लिए बने हुए हैं। मनुष्य सब प्राणियों के लिए नहीं बना हुआ है। मनुष्य के ऊपर सारे प्राणियों का आधार है। मनुष्य सुधरेगा तो प्राणी मात्र सुधरेंगे, मनुष्य बिगड़ता है तो प्राणी मात्र बिगड़ जाते हैं। सारा मदार मन की शक्ति धारण करने वाले मनुष्य के ऊपर है। और प्राणियों में मन की पावर इतनी जास्ती नहीं होती है। मनुष्य मनन चिंतन मंथन कर सकता है, ज्ञान ले सकता है, भगवान को पहचान सकता है। दुनिया के और प्राणी ज्ञान नहीं ले सकते, उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पहचान सकते। इसलिए अपनी जाति की परवाह पहले करनी चाहिए। हमारी मनुष्य जात है, कीड़ों मकोड़ों का हम उतना ध्यान रखें और मनुष्यों मनुष्य मनुष्य के सुख दुख का ध्यान न रखें, ये तो अच्छी बात नहीं है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं या जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी जाति विशेष धर्म विशेष के हैं, वो सब अपनी अपनी जात के लिए मरते हैं। तो मनुष्य को भी मनुष्यों की सेफ्टी के लिए मरना चाहिए। पहले मनुष्य जाति की सेफ्टी, दांतों का मंजन नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे तो शरीर बीमार पड़ सकता है। मनुष्य ही खलास हो जाएगा। इसलिए मनुष्यों की सेफ्टी पहले करना जरूरी है। बाबा वो इतने नियम से रहती है फिर भी तो उनको भगवान नहीं मिलता है। इतने नियम करते हैं वो। कौन सा नियम? नियम बुद्धि के अनुसार करना चाहिए या मनमाने तरीके से नियम पालन करना चाहिए? अरे ऋषियों महर्षियों को, दीदी दादियों दादाओं को इतनी मेहनत करते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? जरूर तरीके में कोई खोट है, सच्चाई सफाई में कोई खोट है,
सच्चे दिल पर साहब भगवान राजी होता है, झूठे दिल पर साहब राजी नहीं होता है। ऐसे भी नहीं है कि जैनियों को भगवान नहीं मिलता है। जब प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले सर्व धर्मावलंबियों के बीच में जैन धर्म के फॉलोअर्स ही सबसे आगे निकलेंगे। और वो मानेंगे कि ये दिलवाड़ा मंदिर इन ब्राह्मण बच्चों की यादगार है। इसलिए झाड़ के चित्र में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया है। बौद्ध धर्म दिखाया है। बौद्ध धर्म वाले भी अहिंसा को मानते हैं, गहराई से मानते हैं। जैन धर्म वाले भी बहुत गहराई से मानते हैं, परंतु जब प्रत्यक्षता होगी तो बौद्ध भी बाद में निकलेंगे और जैनी सबसे पहले निकलेंगे। जितने भी जैन मुनि हैं उनके नाम से सागर क्यों लगाया जाता है? जैन का अर्थ क्या है? जैन शब्द काय से बना है? जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो हुए जिन, और उन जिन को फॉलो करने वाले हुए जैन। तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो सागर के समान ज्ञान को धारण करने वाले हैं। यह छोटे मोटे ज्ञान के टुबके हैं। क्या है? है वो सागर के समान ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञान सागर के मास्टर ज्ञान सागर बच्चे हैं या साधारण बच्चे हैं? वो ज्ञान सागर के बच्चे हैं जिनकी यादगार में वो जैन मुनि अपने नाम से पीछे सागर शब्द लगाते हैं। वो कोई ज्ञान के सागर है नहीं। ज्ञान के सागर कहाँ होते हैं? हैं? इस एडवांस ज्ञान में, ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान के सागर बच्चे निकलेंगे। सात सागर हैं, सातों मिलकर के एक बड़ा सागर बनता है। तो अष्टदेव कहे जाते हैं। वो ज्ञान सागर बाप के मास्टर ज्ञान सागर बच्चे हैं। वास्तव में उनका टाइटल है सागर। जैसे हिंदुओं में सन्यासियों ने झूठा टाइटल रखवा लिया, श्री श्री 108 स्वामी सतानंद जी महाराज, श्री श्री 1008 स्वामी सरस्वती जी महाराज। ऐसे ही जैन मुनियों ने भी वो झूठे टाइटल रखवाए हुए हैं। असली टाइटल तो ब्रह्मा के डायरेक्ट जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चों का टाइटल है। एक मुरली में अष्टदेव की जो सहयोगिनी शक्तियां हैं उनको पटरानी बोला है। अष्टदेव की सहयोगिनी नहीं, अष्ट रतन की सहयोगिनी शक्तियां। अष्ट रतन नंबरवार हैं,
नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड हैं और अष्टदेव कौन से धर्म से कनेक्टेड हैं? है सूर्य वंश से कनेक्टेड हैं। वो सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। एक मुरली में जगदम्बा को भी जामवंती बोला है। कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी का नाम जामवंती भी है। लेकिन बाबा वो तो अष्टदेव की सहयोगिनी नहीं बनती है। जो अष्टदेव हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी सहयोगिनी शक्तियां विजयमाला से निकलेंगी या रुद्रमाला से निकलेंगी? है विजयमाला से निकलेंगी। बाबा हाँ जी, शंकर जी की पिंडी को बाहर क्यों रख देते बाबा? है बाबा पूजा बाहर नहीं होती, शंकर जी की पूजा क्यों बाहर है? और क्लियर करो क्या बात बोलना चाहते हैं? शंकर जी की पिंडी बाहर क्यों रखते हैं पूजा करने के लिए, और देवी देवताओं की पूजा क्यों बाहर करते हैं? वो शंकर जी की पिंडी कहे या शिव की पिंडी कहे? है हाँ, पिंडी माने पिंड, शिव जिस पिंड में प्रवेश करता है उसको पिंडी कहा जाता है। पिंड माने शरीर, वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है। जब शंकर की संपूर्ण स्टेज बनती है तो इंद्रियों की याद नहीं रहती है, इंद्रियों से परे की स्टेज में चला जाता है। इंद्रियां जैसे के होते हुए भी नहीं है, इस शरीर में से इंद्रियां निकाल दी जाएं, दोनों हाथ निकाल दिए जाएं, दोनों टांगे निकाल दी जाएं, नाक आंख कान मुंह वगैरह सब निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? पिंडी बची। तो निराकारी स्टेज दिखाई गई है शंकर की। वो शंकर शिव के पिंड की यादगार है। जो पिंड है वो शंकर का शरीर है, और उस पिंड में जो बिंदी रखी जाती है वो शिव है। जो द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज में पूजा जाता था सोमनाथ के मंदिर में, लिंग था और लिंग के बीच में सफेद हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार है। और हीरा जिसमें जड़ा हुआ है पिंड में, वो पिंड किसकी यादगार? शंकर की यादगार। वो एक ही रूप है जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए सब देवताओं के मूर्तियां पूजी जाती हैं और शिव शंकर का पिंड पूजा जाता है। और बाबा शंकर को शिव के समान बताया गया है, शंकर को शिव के समान बताया गया। हमेशा थोड़ा ही शिव समान है, शंकर बिना बताया गया। अगर हमेशा शिव के समान हो तो उसका नाम बाद में क्यों रखते हैं? काली ने को पेड़ रखते हैं क्यों दिखाया है? कि
समान शंकर के ऊपर काली का मतलब पेड़ रखते हुए दिखाया गया क्या? लेकिन काली का आपने चित्र ध्यान से नहीं देखा, काली का चित्र ध्यान से देखो, पुरानी मूर्तियां काली की ध्यान से देखो, मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है, दिखाने के लिए पांव है ऊपर, लेकिन अंदर कौन बसा हुआ है? शिव का वही साकार स्वरूप बसा हुआ है। और गीता पाठशाला में अगर कोई आंख बंद करके झटके खाता रहता हो तो ऐसों को टच करना चाहिए या नहीं है? उनको टच करेंगे तो हमारे ऊपर भी वाइब्रेशन आ जाएगा। बाबा ने तो कहा याद में जब बैठो तो अंग से अंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई की अवस्था बहुत ऊंची होती है और कोई की अवस्था बहुत नीची होती है। नीची अवस्था वालों का अगर संग करेंगे तो अच्छी अवस्था वालों की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए टच करने की तो बात ही नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन के आँख होते हुए भी बच्चे मानते हैं, महाभारत में दुर्योधन की माने आँख होने के बाद ही बच्चे क्यों मान रहे? दुर्योधन की आंख में पट्टी बांधी, वाह भैया है, गांधारी की आंखें सालिम थी, अज्ञानी नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझ करके पट्टी बांध ली कि हमारा पति अंधा है तो हम भी अंधे बन करके रहेंगे। ये बात ज्ञान में लागू होती है। ऐसे नहीं कि गांधारी कोई अंधी थी तो ज्ञान में तीखी थी, तो जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि रावण जानता था कि ये भगवान है, फिर भी जानबूझ करके अपोजिशन करता था। ऐसे ही माया का पार्ट है, माया बेटी, माया रावण कहा जाता है। माया रावण को सहयोग करने वाली है, लेकिन माया जैसे सर्वशक्तिवान है वैसे ज्ञानवान भी है, परंतु ज्ञानवान होते हुए भी, सालिम आंखें होते हुए भी जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ था। ऐसे नहीं कि कुमारका दादी की बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठा हुआ नहीं था, वो एडवांस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रही थी, फिर भी जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ। अभी भी उस माया बेटी को फॉलो करने वाली ढेर की ढेर ऐसी हैं जो एडवांस ज्ञान के तंत्र को जानती हैं, परंतु हठ योगी हैं, अपनी हठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए जानबूझ करके आंखों पर पट्टा बांधा हुआ है।
और बाबा बरसात में कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, अब तुम्हें मारना पाप लगता है मच्छर कीड़े मकोड़े। अभी तो बताया, मनुष्य की अगर सुरक्षा होती हो तो जानवर को मारने का पाप ज्यादा होगा या मनुष्य को बचाने का पुण्य ज्यादा होगा? तो मच्छर को मारने में क्या पाप बन जाएगा? नहीं मारेंगे तो भी वो तो मर जाते हैं। ढेर के ढेर मच्छर पतंगे पैदा होते रहते हैं, ढेर के ढेर सवेरे को मर जाते हैं। ये ज्ञान बरसात में भी कीड़े मकोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं। ज्ञान में सच्चाई से चलने वाले बहुत थोड़े होते हैं, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े होते हैं। राज परिवार में आने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी है, उनमें भी संख्या दास दासियों की ज्यादा है या राजा रानी बनने वालों की संख्या ज्यादा है? दास दासी बनने की संख्या ज्यादा है। वो दास दासी का पद पाने वाले जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में दुख देने का काम करते होंगे, इसलिए वहां जाकर के दास दासी बनते हैं जन्म जन्मांतर। और क्या देखा है सर? ओम शांति।